अयोध्या में कल यानी 22 जनवरी को भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पूरा देश राममय हो गया है। जगह जगह रामोत्सव पर तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। वहीं बरेली में प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भव्य रामदूत शोभा यात्रा निकाली गई। इससे पहले आरएसएस के सह प्रांत कार्यवाह राज्यपाल प्रांत संचालक शशांक भाटी और बरेली के विभाग सह संचालक राजकुमार अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया, जबकि कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी के स्वरूपों की पूजा अर्चना की। इसके बाद रामदूत शोभा यात्रा को रवाना किया गया, जिसमें भगवान श्री राम के पताका के साथ सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए। इस दौरान शहर में अयोध्या सा नजारा नजर आ रहा था। वहीं यात्रा में श्री राम की मनमोहक झांकियों और ढोल मंजीरों के साथ डीजे पर बजते भजनों पर झूमते श्रद्धालु शोभा बढ़ा रहे थे। साथ ही चारों ओर भगवान श्री राम और हनुमान के जयकारे गूंज रहे थे। ये रामदूत शोभा यात्रा बरेली कॉलेज के पूर्वी गेट से शुरू होकर गांधी उद्यान, केशव कृपा चौकी चौराहा, पटेल चौक, हनुमान मंदिर, रोडवेज बस अड्डा, कालीवाड़ी, शामतगंज होते हुए फिर से बरेली कॉलेज के पूर्वी गेट पहुंची, जहां भव्य शोभा यात्रा का समापन हुआ। वहीं शोभा यात्रा के दौरान सैकड़ों महिलाओं ने साथ में कलश यात्रा निकाली, जिसका जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने कहा कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद श्री राम अयोध्या धाम वापस आ रहे हैं। पूरा देश और विश्व उनके स्वागत के लिए तैयार और दीपोत्सव मनाया जा रहा है। बरेली में भी श्री राम को स्वागत में अयोध्या धाम लग रहा है। वहीं रामदूत शोभा यात्रा में शामिल हुए शहरवासियों में काफी उत्साह देखने को मिला। क्या बने हैं आज आप? श्रीमान क्या कहना चाहेंगे आप शोभा यात्रा? श्रीमान शशांक जी भाई साहब, कैसा लग रहा है? रावण कहता था माननीय प्रांत हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं। हमको अपने सभी अतिथि हमारे दोस्त है और मैं निवेदन करूंगा बहन ध्रुविका से, वह आए और यहाँ पर एक सुंदर सा उसका अहंकार मेरा निवेदन रहेगा। सर पूरा देश इस समय राममय हो रहा है, क्योंकि राम जी का जो चरित्र था वो वाकई में ऐसा था कि पूरे विश्व में क्या पूरे ही विश्व में उसका गुणगान है। उसी के आधार पर आज देखिए कि कोई भी देश, कोई भी गांव, कोई भी जगह ऐसी नहीं बची है कि वो राममय नहीं है। और राममय का प्राण प्रतिष्ठा कल होनी है, उसके लिए सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जय श्री राम। भगवान राम का ये जो भव्य मंदिर बन रहा है, ये हम 500 साल के इतिहास में हम सब बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और पूरा भारत ही नहीं, पूरे विश्व में इसकी धमक जा रही है। पूरे विश्व में इस आयोजन को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी से अपील है कि सभी लोग इस आयोजन को बहुत धूमधाम से मनाएं, दीप प्रज्वलित करें, आतिशबाजी करें। जय जय श्री राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। अखिल ब्रह्मांड, पूरा विश्व आज राममय है और भगवान श्री प्रभु राम के स्वागत के लिए तैयार है। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद पुनः प्रभु श्री राम सनातन धर्मों के आस्था के हृदय में विराजमान प्रभु श्री राम अयोध्या अपने धाम वापस आ रहे हैं। पूरा देश और विश्व उनके स्वागत के लिए तैयार है। दीपोत्सव बन रहा है, पूरे हर्षोल्लास है और रंगोली, और आप देख रहे हैं ये उत्साह आज बरेली ये लग रहा है जैसे पूरा राममय बरेली स्वयं अयोध्या धाम हो गया हो। सभी भारतवासियों को, सभी सनातन धर्मियों को इस श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और प्रभु श्री राम भारत के सभी संकल्पों को मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में सिद्ध करेंगे और अखंड भारत के संकल्प को साकार करते हुए विश्व गुरु की दिशा में आगे बढ़ेंगे।